हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा डिप्रेशन, जो कि साइकेट्रिक इलनेस के अंदर आता है। सो विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इट कम्स अंडर द मूड डिसऑर्डर। जो हमारा डिप्रेशन होता है वो आता है मूड डिसऑर्डर के अंदर। देन आफ्टर इट इज़ वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है ये किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में हो, बट ये वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। हाईएस्ट इंसिडेंट रेट इज सीन इन द पीपल। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट देखने को मिलता है वो ऐसे लोगों में मिलता है जिनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी कम हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर ना हो दूसरे से, और जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो उन लोगों के अंदर, या फिर जो सेपरेट हो गए हों या फिर डिवोर्स हो गया हो, मतलब जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो उन लोगों के अंदर। देन आफ्टर इट इज़ ट्वाइस मोर कॉमन, यानी कि ये दो गुना ज़्यादा देखने को मिलता है इन फीमेल्स देन इन द मेल्स। बट एक चीज़ होती है कि डिप्रेशन की वजह से जो डेथ रेट होता है वो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। सुसाइड अटेम्प्ट दोनों में इक्वल होते हैं, बट जो डेथ रेट होता है वो मेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपेयर टू द विमेंस। देन वील टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। सो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। सो कॉमन सिम्टम होगा एपैथी, यानी कि ये टोटल लॉस ऑफ इमोशंस। वहाँ जो भी पर्टिकुलर पेशेंट होगा या इंडिविजुअल होगा वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को किसी भी इमोशन के साथ। उसको समझ में नहीं आएगा कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। देन आफ्टर सैडनेस, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो हंसी का माहौल हो या किसी खुशी का माहौल हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सैड रहेगा। देन आफ्टर स्लीप डिस्टर्बेंस, या तो वो बहुत ज़्यादा सोता होगा या तो फिर उसको नींद कम आएगी। देन आफ्टर होपलेसनेस, ये कुछ कॉमन साइंस हैं। जैसे होता है उसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। होपलेसनेस यानी उसको लगेगा कि अब कोई होप नहीं है ज़िंदगी में, अब कोई जीने की वजह नहीं है। देन उसको लगेगा कि हेल्पलेसनेस में उसे लगेगा कि कोई और उसकी हेल्प किसी तरह से नहीं कर सकता, और किसी भी तरह से उसकी हेल्प नहीं की जा सकती है कि वो फर्दर लाइफ कैसे लीड करे। देन वर्थलेसनेस में उसको लगता है कि उसका इस ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है और वो किसी काम का नहीं है। देन उसके अंदर गिल्ट होगी और एंगर होगा। गिल्ट किसी भी चीज़ को लेके, भले ही उसने वो चीज़ की हो या ना की हो, बट उसे गिल्ट रहेगा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ गलत हो गया है तो वो मे बी मेरे किसी एक्ट की वजह से हुआ है। देन आफ्टर स्लोनेस उसमें देखने को मिलेगी, जैसे कि उसका इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन टाइमिंग जो भी होगी, चाहे वो उसके बात करने में हो या चलने फिरने में हो या कोई भी एक्टिविटी में हो, सो वो बहुत ही धीमे धीमे अपना लाइफ को, मतलब जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है अपनी डेली लाइफ में, वो बहुत ही धीमे करेगा। देन आफ्टर आता है हमारा डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हो सकता है उन पेशेंट्स को ऐसा लगे कि जो भी वो लाइफ जी रहे हैं उस पर किसी और का कंट्रोल है, एल्स देन उनके खुद के। जैसे अभी हमने बात करी थी कॉमन सिम्टम्स में, नाउ विल कम टू द अदर सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स होंगे फटीग, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी सी महसूस होगी। थॉट ऑफ डेथ, यानी कि वो हमेशा मरने के बारे में सोचता रहेगा कि अगर हम ना हों तो बेहतर है, इस तरह से। देन डिक्रीज लिबिडो, यानी कि सेक्शुअल एक्टिविटी में जो इंटरेस्ट है वो कम होगा। देन आफ्टर डिपेंडेंसी, उसको हमेशा ये लगेगा कि वो अदर पीपल्स पे हमेशा डिपेंडेंट है। स्पॉन्टेनियस क्राइंग, यानी वो अचानक से कभी भी रोने लगेगा। एंड पैसिवनेस, यानी कि लैक ऑफ इनिशिएशन, वो किसी भी चीज़ में अपना इनिशिएशन लेगा ही नहीं। देन विल कम टू सोमैटिक सिम्टम्स। सोमैटिक सिम्टम्स यानी कि जो उसकी बॉडी बॉडी पे सिम्टम्स आ रहे हैं यानी उसके बारे में। सो डिक्रीज एपेटाइट होगा, यानी कि पेशेंट जो भी होगा पर्टिकुलर, उसको भूख कम लगेगी और जिसकी वजह से डिक्रीज वेट देखने को मिलेगा। देन अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, जैसे भी हमने कहा था कि स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, या तो वो बहुत ज़्यादा सोएगा या तो उसको नींद कम आने लगेगी। सो इसमें अगर एक क्लासिक साइन होता है तो वो होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है, यानी कि जो भी उसका नॉर्मल पैटर्न है, जिस पैटर्न में वो उठता है, उससे अप्रॉक्स 2 to 3 hours पहले वो उठने लग जाएगा। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, भले वो उसके पसंद की चीज़ हो या उसको ना भी पसंद हो, बट किसी भी चीज़ में वो अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। देन आफ्टर साइकोमोटर एगिटेशन, जो भी पर्टिकुलर इंसान होता है उसके अंदर एंजाइटी और फियर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसकी हरकतों में भी वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। सो अभी हमने बात करी थी क्लासिक सिम्टम्स के बारे में, नाउ विल कम टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन लीड होता है। सो इसमें दो थ्योरीज हैं। सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल थ्योरी। सो बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो भी बॉडी से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं या फिर जो भी कॉजेज़ हैं, उनकी वजह से जिस भी तरह से
डिप्रेशन लीड कर रहा है, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो कि आता है बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर। सो सबसे पहले आएगा न्यूरोकेमिकल। सो न्यूरोकेमिकल में हमारे आ जाएंगे वो सारे ही केमिकल्स जो कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट कराते हैं। सो इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन लेवल और सीरोटोनिन लेवल ब्रेन में, देन आफ्टर और डिसरेगुलेटेड होता है यानी कि प्रॉपर रेगुलेट नहीं हो पा रहा होता है गाबा। देन सेकेंड हमारा होता है जेनेटिक। जेनेटिक में अगर किसी की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को या फिर आइडेंटिकल ट्विन को अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं उस फैमिली में होने के या फिर उसके ट्विन को होने के। देन नेक्स्ट कम एंडोक्राइन थ्योरीज। एंडोक्राइन में क्या होता है कि HPA एक्सेस जो कि होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सेस, जब इसमें माल फंक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है थायराइड या फिर और हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर एक आता है जिसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलता है। देन आफ्टर सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम क्या होता है कि ये हमारा एक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर साइकिल चल रहा होता है जिसमें स्लीप और अवेकनिंग साइकिल होता है, अगर उसमें किसी भी तरीके का डिसरेगुलेशन या डिसफंक्शन आने लगता है तो उसकी वजह से भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं डिप्रेसिव एपिसोड्स के होने के। देन चेंजेस इन द ब्रेन एनाटॉमी। सो फ्यू चेंजेस कैन बी लॉस ऑफ न्यूरॉन्स फ्रॉम द फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड द बेसल गैंग्लियन। अगर यहाँ अगर फ्रंटल लोब से, सेरिबेलम से या फिर बेसल गैंग्लियन से अगर लॉस ऑफ न्यूरॉन्स है यानी वहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स की कमी है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमने बात की थी बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी हमारा साइकोसोशल थ्योरी। सो साइकोसोशल थ्योरीज़ के अंदर ये सब हमारे पार्ट्स आते हैं। जो सबसे पहले साइको एनालिटिक थ्योरी। सो सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉस ऑफ द लव्ड वंस या फिर ऑब्जेक्ट्स अगर होता है ओरल स्टेज में सो वो बेसिकली लीड कर सकता है डिप्रेशन को इन द फ्यूचर। बिहेवियरल थ्योरी में क्या आता है कि रिपीटेटिव लॉस होता जा रहा है अगर किसी इंसान की लाइफ में, चाहे वो लव्ड वन का हो या फिर किसी लव्ड ऑब्जेक्ट का हो, अगर वो रिपीटेटिव लॉस होता जा रहा है, ये लिखा है एक्सपीरियंस ऑफ द अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हैं या फिर रिपीटेटिव लॉस है उसकी वजह से भी वो पेशेंट पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर ही ऐसा होने लगता है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। देन कॉग्निटिव थ्योरी। सो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन बन जाती है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट और सेल्फ और द फ्यूचर। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन लेके चलता है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, मतलब बाहर के लोगों के प्रति या फिर खुद के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए, और जब वो उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव नहीं कर पाता तो उसकी वजह से उसके अंदर वर्थलेसनेस की फीलिंग आने लगती है और उसको लगता है कि वो रिजेक्ट हो रहा है बाय द अदर्स। तो ये भी कॉज हो सकता है डिप्रेशन के लिए। देन लास्ट हमारा आता है साइकोलॉजिकल थ्योरी। सो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल थ्योरी में कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, जैसे कि स्ट्रेसफुल इवेंट वो कोई भी हो सकता है, आइदर डिवोर्स हो सकता है या फिर लॉस ऑफ द लव्ड वन हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, ऐसा कोई भी सिचुएशन जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन को बनाए पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। सो विल रिवाइज दी होल टॉपिक। सो डिप्रेशन होता क्या है, ये एक मूड डिसऑर्डर के अंदर एक कैटेगरी में होता है, ये वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन्स देन इन द मेल, और वुमेन में कितना कॉमन है, ट्वाइस मोर कॉमन है। देन इसमें कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, एपथी, सैडनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, मतलब यहाँ पे जो कुछ कॉमन साइंस होते हैं उसमें पेशेंट बहुत स्लो हो जाता है, उसको हेल्पलेसनेस लगती है कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसकी लाइफ में कोई वर्थ नहीं है, कोई होप नहीं बचा उसका ज़िंदगी जीने में, और उसको करंट थाट्स आते रहते हैं डेथ के, और वो बहुत ही ज़्यादा एपथी हो जाती है उसके अंदर, यानी वो लॉस ऑफ इमोशंस हो जाते हैं। देन आफ्टर अदर सिम्टम्स होते हैं कि उसको फटीग रहता है, देन आफ्टर लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है या फिर डिक्रीज लिबिडो हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, और पैसिवनेस आ जाती है यानी कि इनिशिएट नहीं करता किसी भी चीज़ में। सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं कि उस
कोई एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, प्लस डिक्रीज वेट होता है। वो नॉर्मली जितने भी उसकी वेक टाइमिंग होती है उससे 2 घंटे पहले अप्रोक्स जगने लगता है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी। सो बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आता है न्यूरो ट्रांसमीटर थ्योरी, न्यूरो केमिकल थ्योरी, जिसके अंदर नॉरएपिनेफ्रीन और सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज होते हैं और डिसफंक्शन होता है गाबा का, सॉरी डिसरेगुलेशन होता है गाबा का। देन जेनेटिक थ्योरी में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या फिर ट्विन को अगर होता है तो ये हो सकता है। एंडोक्राइन में होता है हमारा HPA एक्सिस का माल फंक्शन, जो कि हमारा H से मतलब होता है हाइपोथैलेमस, P से मतलब पिट्यूटरी, और A मतलब एड्रिनल माल फंक्शन होता है। देन सरकाडियन साइकिल में डिसरेगुलेशन ऑफ द स्लीप एंड वेक साइकिल इससे हो जाता है। देन चेंजेस इन द ब्रेन एनाटॉमी, इसमें क्या होता है मिसिंग लॉस ऑफ न्यूरॉन्स फ्रॉम द फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड द बेसल गैंग्लियॉन्स, उसकी वजह से हो सकता है। देन हमारा आता है साइकोलॉजिकल थ्योरी, सॉरी साइकोसोशल थ्योरी, तो इसमें आता है साइको एनालिटिक, यानी कि साइको एनालिटिक हमारी दी थी सिगमंड फ्रूड ने, जिन्होंने कहा था कि अगर ओरल स्टेज में किसी लव्ड वन का लॉस हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। देन आफ्टर बिहेवियरल थ्योरी में कहा गया था कि रिपीटेटिव लॉस अगर होता है इंडिविजुअल को उसकी वजह से हो सकता है। कॉग्निटिव थ्योरी में कहा गया था कि एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन हो जाती है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, सेल्फ एंड द फ्यूचर, जिसकी वजह से उसके अंदर वर्थलेसनेस की फीलिंग आने लगती है और रिजेक्शन बाय द अदर्स की फीलिंग आती है। देन लास्ट हमारा होता है साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें कहा गया था कि अगर सडन स्ट्रेसफुल इवेंट कोई भी आता है लाइफ में उसकी वजह से हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डेथ और फाइनेंशियल लॉस या फिर डिवोर्स वगैरह। तो ये था हमारा टॉपिक डिप्रेशन पे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टिल देन थैंक यू।